इसके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और किसान आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जरा सोचिए, कृषि सुधार कानूनों के बाद देश में धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, फिर भी आंदोलन जारी है, आखिर क्यों? नरेंद्र सिंह तोमर ने यह ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से और सवाल भी पूछा है, किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए हैं। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये भी कहा है कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा, APMC मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई छीन नहीं सकता, खरीदार किसान की भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को फ्लॉप बताया है और एक तरह से कृषि सुधार कानूनों के बाद देश में जो धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है उसका आंकड़ा भी दिया है कि अब तक 65,111.34 करोड़ रुपए मूल्य के धान की सरकारी खरीदी हो चुकी है, जिससे लगभग 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, फिर भी आंदोलन जारी है।